हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी पैक शेयर करूंगी जो कि आपकी अपर लिप के हेयर को रिमूव करेगा, प्लस आपकी लिप के आसपास जो भी कालापन होता है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये पैक 100% सेफ है, 100% नेचुरल है। इस पैक के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं पड़ेगा और आपको बिना कोई पेन के रिजल्ट भी मिलेगा। बहुत सारे लोग अपना फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए थ्रेडिंग करते हैं, जो हेयर रिमूवर आता है, स्ट्रिप आता है, उसका यूज़ करते हैं। बट गाइज, मैं आपको स्ट्रिप यूज़ करने का सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज जब आप बार बार अपने फेस पे स्ट्रिप का यूज़ करते हो तो पहली बार आपकी स्किन सेंसिटिव होने के कारण उसमें रेडनेस आ जाती है और फेस बहुत जलने लगता है। तो गाइस, इस पैक में ना ही आपकी स्किन रेड होने वाला है और ना ही आपकी फेस जलने वाला है, और आपको इससे रिजल्ट भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस पैक को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, बस 3 या 4 चीज़ों से ही बन जाएगा ये पैक। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसे अच्छे अच्छे और भी वीडियोस देख पाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बाउल। देन हम इस बाउल में लेंगे 1 चम्मच व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, 1 चम्मच तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्राम फ्लोर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है हमारा 1 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोई सा भी ऑयल, आपके पास जो भी ऑयल है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल का 2-4 बूंद ही डाल रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध हमें उसी प्रकार डालना है जैसे कि ये एक अच्छा ठीक सा पेस्ट बन पाए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा पतला वाला पेस्ट नहीं बनानी है, थोड़ा गाढ़ा टाइप होना चाहिए। पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होना चाहिए, आप देख सकते हैं। मुझे पता है गाइस, दूध बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, और जिनको सूट नहीं करता वो यहाँ पे दूध के जगह रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसे फॉर्म में आ गया है। अब आपको इसको अपने फेस पे लगाना है, जहाँ जहाँ आपका हेयर है। आप चाहो तो इसे पूरा फेस पे भी लगा सकते हो। आपको ऐसे थोड़ा सा लेकर जहाँ पे आपकी हेयर है वहाँ पे ऐसे लगा लेना है, और लगाने के बाद इसको 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है गेहूँ का आटा व्हीट फ्लोर, ये बहुत ही चिकना होता है और इसको सालों से, पुराने ज़माने से यूज़ करते आए हैं हेयर रिमूव करने के लिए। ये एक उपटन की तरह भी काम करता है, माउथ के आसपास जो भी ब्लैक पार्ट होता है उसको भी रिमूव करता है, आपकी फेशियल हेयर को भी रिमूव करता है। इस पैक में हमने बेसन मिलाया है।
बेसन स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है, फेयर बनाता है बहुत अच्छी तरीके से। ये हमारे स्किन से मैल को निकालता है, कालापन को दूर करता है। फिर हमने यहाँ पे डाला है ऑयल, कोकोनट ऑयल। यहाँ पे हमने कोकोनट ऑयल इसीलिए मिलाया है कि जब ये पैक ड्राई हो जाए, सूख जाए और हम इसे निकालें तो दर्द ना हो और ये इजीली रिमूव हो जाए। दूध भी एक तरीके का मॉइस्चराइज़र ही है, ये मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, स्किन को काला होने से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है। इस पैक को आपको पूरा ड्राई होने तक ही रखना है, अपने फेस पे लगे रहने देना है। 25 से 30 मिनट बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, देन इसको रिमूव करना है पहले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये पैक बिल्कुल सूख गया है। इसको धीरे धीरे ऐसे रब करके ही निकालना है। ऐसे धीरे धीरे रब करने से बाल जड़ से उखड़ जाएंगे और वापस से नहीं आएंगे। और ये रेमेडी आपको रेगुलर ही यूज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आपकी फेसियल हेयर कभी ना आए तो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।